हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज हाई टाइम। आप लोगों के एग्जाम बहुत क्लोज आ चुके हैं, जैसा कि आप जानते हैं जेई मेंस का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो बस कुछ ही दिनों दूर है और आप लोग अपनी प्रिपरेशन के अंदर बहुत अच्छे से लग चुके होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे लॉन्च किया है क्रैश कोर्स जिसका नाम है रैपिड क्रैश कोर्स। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ अबाउट सम यूनिक एंड सेलियंट फीचर्स ऑफ दिस रैपिड क्रैश कोर्स पर्टिकुलरली फॉर केमिस्ट्री। तो इस क्रैश कोर्स को लेकर आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, जैसा कि सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में होते हैं। उनके इंटरेक्शन से मुझे पता लगा, तो आज मैं आपके पहले वो डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। जनरली लोग सोचते हैं कि क्रैश कोर्स नाम से ही क्रैश कोर्स है, बहुत तेज पढ़ाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऑब्वियसली लिमिटेड टाइम है, रेगुलर क्लासरूम के कंपेरिजन में हम थोड़ा तेज पढ़ाएंगे, लेकिन वो इतना तेज भी नहीं होता है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आए। कुछ लोग जो जिन्होंने साल भर ठीक से पढ़ाई नहीं की है, जिन लोगों को लगता है कि हमारा सब्जेक्ट खराब हो गया है, उनके लिए क्रैश कोर्स एक बूंद की तरह होता है। क्रैश कोर्स में बहुत तेज नहीं पढ़ाया जाता, अपने दिमाग से चीज़ निकाल दे। वहाँ पर इंपॉर्टेंट रिलेवेंट चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। रेगुलर क्लासरूम में क्या होता है, कई बार टॉपिक को इन डेप्थ पढ़ाने के लिए हम आपको कुछ और चीज़ें भी एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, जिससे आप उस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ पाओ। लेकिन क्रैश कोर्स के अंदर हम उन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम उन बेसिक्स के ऊपर फोकस करते हैं जिनको यूज़ करके आप कम टाइम के अंदर चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं। तो ये बात अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि क्रैश कोर्स में आपको बहुत फास्ट पढ़ाया जाता है। क्रैश कोर्स में हम रिलेवेंट चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं और उनको समझने के लिए आपको जितनी ज़रूरत होती है उतनी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। क्रैश कोर्स के अंदर सब कुछ थ्योरी ढंग से कवर नहीं किए जाते, सिर्फ फॉर्मूले लिखवाए जाते हैं। अगर आप लोग भी ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। क्रैश कोर्स का मतलब फॉर्मूले लिखवाना नहीं होता है, ठीक है। क्या क्रैश कोर्स जीरो से शुरू होता है? बिल्कुल, क्रैश कोर्स के अंदर हर चैप्टर को जीरो से ही शुरू किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, हमारा एम क्या होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको अच्छे समझ में आए, और जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे वो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो क्रैश कोर्स के अंदर भी चीज़ों को बिल्कुल जीरो लेवल से ही शुरू किया जाता है। जहां जरूरत होती है वहां पर आपको चीज़ें डिराइव करके भी समझाई जाएगी, जहां लगता है कि डेरिवेशन की जरूरत नहीं है वहां आपको सिर्फ फॉर्मूले लिखवाए जाते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि क्रैश कोर्स में सिर्फ फॉर्मूले लिखवाए जाते हैं और खत्म हो जाता है क्रैश कोर्स। ऐसा नहीं है, क्रैश कोर्स में हर वो चीज़ कवर की जाएगी जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। Either it is theory, either it is question, जो भी चीज़ है वो सब कवर होती है। तो हाँ, क्रैश कोर्स का हर चैप्टर जीरो लेवल से शुरू होता है। तो अगर आपने चीज़ों को ठीक से नहीं पढ़ा है तो भी आप क्रैश कोर्स से अपने आप को इतना प्रिपेयर कर सकते हो कि आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन से आसानी से डील कर पाए। अगला डाउट, क्रैश कोर्स में सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाएगी, क्वेश्चंस तो करवाते ही नहीं। नहीं नहीं, अरे ऐसा कैसे हो सकता है भाई। हम आपसे हमेशा बोलते आए हैं कि बिना क्वेश्चंस के, बिना इलस्ट्रेशंस के आप थ्योरी को सॉल्व समझ नहीं सकते हो, सॉल्व नहीं कर पाते हो। तो बेसिकली यहाँ पर इलस्ट्रेशंस होंगे। ऑब्वियसली नंबर ऑफ इलस्ट्रेशंस रिलेटिवली क्या होते हैं, कम, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। लेकिन वो सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको समझने हैं उनके लिए जितने इलस्ट्रेशंस की रिक्वायरमेंट है, जिनसे आपको कंसेप्ट अच्छे समझ में आ जाए, वो सारे इलस्ट्रेशंस यहाँ होंगे। तो यहाँ थियरी होगी, यहाँ इलस्ट्रेशंस होंगे, और यहाँ बेसिक से चैप्टर आपका शुरू होगा, ताकि आप तीनों पॉइंट में से एक भी पॉइंट स्किप नहीं करो और आसानी से चैप्टर के ऊपर अपनी ग्रिप बना पाओ। अगला पॉइंट, क्या क्रैश कोर्स के लिए कोई अलग से मटेरियल होगा? बिल्कुल होगा। देखें, अगर आप अपना नॉर्मल मटेरियल उठाएंगे तो आपको लगेगा कि सब कुछ सॉल्व कर लो, लेकिन जैसा कि आप समझते हैं लिमिटेड टाइम है। अब जो टाइम बचा है उसमें आप सब कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, आपके पास भी इतना टाइम नहीं है। तो जो मैं क्रैश कोर्स आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, वहाँ पर मैंने आपको स्पेसिफिकली डिजाइन क्वेश्चन बैंक दे रहा हूँ, जिनके अंदर उन क्वेश्चंस को मैंने अपने खुद से पिक करके डाला है जो कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिनसे मैं समझता हूं कि आपको चैप्टर की बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। और अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर गए तो आप मेंस में आने वाले क्वेश्चन से आसानी से डील कर सकते हो। जैसा कि आप सभी जानते हो, पैटर्न चेंज हो चुका है, आपको सिंगल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू, इंटीजर नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन बैंक में ब्लेंड किया गया है सिंगल चॉइस क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको एक चैप्टर के अंदर पता होने ही चाहिए, प्लस न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आपको अब कुछ और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपने क्रैश कोर्स को प्रॉपरली फॉलो किया, आपने लेक्चर पढ़ा और उसके बाद आपने तमीज से मटेरियल को फॉलो किया, डेडिकेटेडली उसको सॉल्व किया, दैट इज मोर देन सफिशियंट फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ जेईई मेंस। चलिए, थियरी हो गई, इलस्ट्रेशंस हो गए, मटेरियल हो गया, व्हाट अबाउट डाउट्स? हमारे डाउट्स कैसे सॉल्व होंगे? ये एक बहुत यूनिक फीचर जो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ।
जितने भी लोग इस क्रैश कोर्स को परचेस करने वाले हैं या कर चुके हैं, उन सभी को मैं एक प्राइवेट ग्रुप प्रोवाइड कराऊंगा ऑफ टेलीग्राम, जहां पर आप डायरेक्टली मुझसे अपने डाउट डिस्कस कर सकते हैं। नॉट इवन डाउट्स, मैं आपको वहां पर और एक्स्ट्रा मटेरियल सपोर्ट दूंगा, लाइक डीपीपीज मैं आपको दूंगा, मॉक टेस्ट जो आपको यहाँ रेगुलर मॉक टेस्ट मिलना है, उसके अलावा भी आपको पर्टिकुलर केमिस्ट्री की मॉक टेस्ट वहां पर मिलेंगे, उसके अलावा मोटिवेशनल वीडियोज, आपकी गाइडेंस, मेंटरिंग टिल मेंस एग्जाम, वो सब आपको इस ग्रुप में मिलेगी। तो जब आप ये लेक्चर पर परचेस करेंगे तो आप अपनी ईमेल आईडी जरूर प्रोवाइड करवाएं, आपको आपकी ईमेल आईडी पर उस ग्रुप का लिंक भेजा जाएगा, जिसे आप ज्वाइन करके डायरेक्टली मुझसे डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं और भी जो आपकी प्रॉब्लम है एग्जाम के रिगार्डिंग, वो सब आप वहां पर डिस्कस कर सकते हैं। तो ये 5 यूनिक सेलिएंट फीचर्स हैं इस क्रैश कोर्स के। थ्योरी होगी, इलस्ट्रेशंस होंगे, मटेरियल होगा, सब कुछ जीरो से शुरू होगा और सबसे इंपॉर्टेंट, आप मुझसे डायरेक्टली अपने डाउट्स भी डिस्कस कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस रैपिड क्रैश कोर्स ऑफ केमिस्ट्री। आई विल विश बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू फॉर जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट।